हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स पर ये वीडियो जो आपने देखा, हाथ में जैसे चंद्रमा पकड़ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। और इस वीडियो को भाई ने एडिट करके आपको यहाँ पर जो ट्यूटोरियल लेकर आया है वो है रिपब्लिक डे का। तो आप दोस्तों इस वीडियो को रिपब्लिक डे के तरह से भी बना सकते हो और अपने हिसाब से भी बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, और दोस्तों काइनमास्टर को भी इस तरह से एडिट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उसको देखकर आप एडिट कर सकते हो। काइनमास्टर को ओपन करके प्लस पर टैप कर देना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और बैकग्राउंड पर टैप करके वाइट कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन हम एक बार इतने बढ़ा लेते हैं। और स्टार्टिंग पोजिशन पर आके दोस्तों, अब यहाँ पर मैं जितने भी मटेरियल यूज़ करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। और डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया, वहाँ पर भी आप ये मटेरियल ले सकते हो। तो लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, और अपनी गैलरी से वो वीडियो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को भाई ने एडिट किया दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो आने के बाद इस बॉक्स पर टैप कर देते हैं, सेकंड वाले बॉक्स पर टैप करके फुल स्क्रीन कर लेते हैं और रेड पर टिक कर देते हैं। म्यूजिक भी इसमें ऐड है, म्यूजिक हम दो ऐड करेंगे इसमें दोस्तों। ठीक, एक मैंने ऐड किया है और एक इसमें ऑलरेडी था। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो का क्रोमा की इनेबल करना है। तो ठीक है, इस पर टैप करते हैं और क्रोमा की पर जाते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं। की कलर पर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर ग्रीन। ओके, इन सभी को बंद कर देते हैं, ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट पर टिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है कहाँ से ये वाइट कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ से वाइट कलर आ जाता है, तो इस पोजीशन पर आ जाना है दोस्तों, राइट पर टिक कर देना है और लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है। एक अपने हिसाब से यहाँ पर PNG ऐड करनी है दोस्तों, तो मैं ये वाली PNG ऐड कर लेता हूँ। इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी भी ड्यूरेशन हम वीडियो जितनी बढ़ा लेते हैं, और पहले तो हम इसकी लंबाई काट लेते हैं दोस्तों। तो इतनी हमें रखनी है, तो बैकग्राउंड पर टैप करके कैंची पर जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से इसी पर टैप करना है PNG पर, और नीचे स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग पर जाना है और मास्क को ऑन कर देना है। फेदर को हल्का सा बढ़ा लेना आपको, ठीक है मैं 14 बढ़ा लेता हूँ, आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। और शेप पर टैप करना है, गोल वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है, राइट पर टिक कर देना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पर आ जाना है और चाबी का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर टैप कर देना है और दोनों फिंगर टैप करके आपको इस तरह से जूम कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो स्क्रॉल कर करके आपको यहाँ पर की का जो है, हमने की लगाया यहाँ पर, आपको सेट कर लेना है। यहाँ से जूम कम, जूम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना दोस्तों। तो आपको की लगाते रहना है, थोड़ा थोड़ा वीडियो स्क्रॉल करते रहना है और यहाँ पर सेट करते रहना है। ठीक है, तो ये काम मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो यहाँ पर ख़राब ना हो। ओके, तो दोस्तों की का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर देख सकते हो कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको वीडियो को थोड़ा जूम कम कर लेना है इस तरह से, और इस फोटो की इस तरह से स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाना है। ठीक है, लेयर पर टैप करना है और मीडिया पर टैप करना है, और अपनी गैलरी से दोस्तों आपको यहाँ पर अब PNG ऐड करनी है। तो ये वाली PNG ऐड कर लेते हैं और इसको इस तरह से जूम कर लेते हैं और आपको यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, इसकी भी ड्यूरेशन आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है, और इन एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना है और पॉप पर टैप कर देना है, राइट पर टिक कर देना है, फिर से आपको यहाँ पर इसी पोजीशन पर आ जाना है। ठीक है, लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, और अपनी गैलरी से आपको दोस्तों एक ये वाली और PNG ऐड कर लेते हैं। इसको जूम कर सकते हो, कम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। इसकी भी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेते हैं, और फिर से आपको इन एनिमेशन पर टैप करना है, पॉप पर टैप कर देना है। अब दोस्तों आपको इसमें ओवरले एनिमेशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तो ओवरले एनिमेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, ओवरले पर टैप करना है, और यहाँ पर कोई सा भी आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। अब दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, साउंड दूसरा टैप करना है, जैसे ये तिरंगा वाला आ जाता है इस चांद में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पोजीशन पर आके म्यूजिक ऐड कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वाला है, इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से, तो म्यूजिक हमारे दो ऐड हो गए। अब दोस्तों आपको फिर से लेयर पर टैप करना है, ओवरले पर टैप करना है, और आपको ये वाला फोग वाला एक और इफेक्ट डाउनलोड करना है दोस्तों। यहाँ से गेट मोर में जाओगे तो काइनमास्टर में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेना है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, राइट पर टिक कर देते हैं। आपका वीडियो जो है दोस्तों यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से आपका वीडियो बनेगा दोस्तों, आपके भाई ने इसको एडिट किया है और आप देख सकते हो दोस्तों, वीडियो भी बहुत मस्त है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।
इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों इस एरो पर टैप करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, टेक केयर।